बरेली की हार्टमैन स्थित काशी वृद्ध आश्रम में बेसहारा बुजुर्गों को भारत विकास परिषद की साहित्यिक और सांस्कृतिक शाखा बरेली की तरफ से दोपहर का भोजन कराया गया। इस दौरान भारत विकास परिषद के सदस्यों की तरफ से प्रांतीय संयोजक एसके कपूर के नेतृत्व में यहां बेसहारा बुजुर्गों को रोजमर्रा की वस्तुएं बांटकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मौजूद संस्था के सचिव उपमेंद्र सक्सेना ने कहा कि आज के भौतिकवादी दौर में लोगों में अपनत्व का अभाव है, जिसकी वजह से मानवीय मूल्यों में गिरावट आई है। जिन्होंने अपना पूरा जीवन परिवार के लिए घर बनाने में लगा दिया, आज उन्हीं के बच्चों ने अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए घर में कोई जगह नहीं समझी, जो कि बेहद दुखद बात है। उन्होंने कहा कि आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर उनकी संस्था ऐसे निराश्रित बुजुर्गों की मदद कर रही है और आगे भी करती रहेगी। इस मौके पर संस्था के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इन लोगों का उद्देश्य ये है कि काफ़ी इसमें ऐसे लोग भी हैं कि जो समाज के काफ़ी अच्छे वर्ग से आते हैं और जो जिनके बच्चे उनको रख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अनाथालय में इन लोगों को छोड़ दिया है, तो उन लोगों की मदद हम करते हैं। और आज हमारा का ये प्रोग्राम था, हम लोगों को भोजन कराना था और इनके जीवन उपयोग की वस्तुएं देनी थी। मैं और भी आश्वासन देता हूँ कि आने वाले समय में जल्दी ही हम इनको गर्म वस्त्र और सामान भी इनको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि इनका जीवन यापन ये अच्छे ढंग से चल सके। आज यहाँ हम लोग काशी वृद्ध आश्रम में ज़रूरतमंदों को, जो 14 बुज़ुर्ग हैं, उनके दैनिक जरूरी सामान वस्तुएं और भोजन कराने का काम कर रहे हैं। और संस्था इससे पहले भी इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करती रही है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं समाज में मानवीय मूल्यों में गिरावट आई है, तो लोगों में भौतिकवादी युग होने के कारण अपनत्व का भी अभाव है, तो ऐसे समय में ये संस्था बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है और सभी लोगों के प्रयास से ये कार्य संभव हो पा रहा है। वहीं बरेली के भूता कस्बे में विवेकानंद युवा विकास समिति के तत्वाधान में जीनियस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर संस्थान के डायरेक्टर सत्यदेव आर्य ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान सत्यदेव आर्य ने कहा कि भारत में आज फिर सरदार पटेल जैसे महानायक की आवश्यकता है, क्योंकि आज़ादी के दौरान जिस तरह सरदार पटेल ने देश की बिखरी हुई रियासतों को एकजुट कर अखंड भारत का निर्माण किया, ठीक उसी तरह आज देश की कई जातियों, पंथों और धर्मों में बट चुका है, जिन्हें एकजुट करने के लिए सरदार पटेल की तरह महानायक की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर सरदार पटेल ना होते तो हमारा देश कई देशों में बंटा हुआ होता और वहां जाने के लिए अलग अलग वीजा की जरूरत पड़ती, लेकिन उनके योगदान से आज हमारा देश एक है। जैसा कि हम जानते हैं, आज 31 अक्टूबर है, एकता दिवस है, और उसके साथ साथ श्री सरदार पटेल वल्लभ भाई जी की जयंती है, जो विवेकानंद समिति की तरफ से मनाई गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि श्री सरदार पटेल वल्लभ भाई जी के जी ने जो योगदान दिया है, वो हमारे जन जन के उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाना, तो ये जो हमने मनाई है वो इसका यही उद्देश्य है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही संदेश सभी को देना चाहता हूं कि समाज में प्रत्येक तबके के लोग, प्रत्येक वर्ग के लोग, प्रत्येक जाति विशेष समुदायों के लोग आपस में एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं, तभी हम सरदार पटेल जी को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं, तभी हम उनके विचारों को अपने जीवन में सार्थक मानेंगे। और सभी युवाओं से मेरा एक ही आह्वान है कि आपस में सामंजस्य बैठा के रखें, जिससे कि राष्ट्र विरोधी जो नीतियां हैं, राष्ट्र विरोधी जो चीज़ें चल रही हैं देश में, वो पनपने ना पाएँ।